तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इनविंसिबल वन। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाना जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन जा जाएँ। दोस्तों मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक और साथ साथ मेरी एयर ग्रैंड स्पोर्ट्स प्लेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार जरूर चेक कीजिएगा। तो अगर आपको ऐसी वीडियोज़ पसंद आती है तो आपको मेरा चैनल बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इनके ऊपर मैं रेगुलर वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। एंड गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा मेजर डिफरेंस बिटवीन आर्मर मॉडल एक्सट्रीम वर्सेस आर्मर नेशनल मॉडल 35। तो गाइस, वैसे तो इनके ऊपर पावर डिफरेंस की वीडियो भी मैं बनाऊंगा, बट वो होगी आफ्टर लॉकडाउन। और मॉडल 350 वर्सेस मॉडल 35 का बेसिक डिफरेंस की वीडियो मैंने पहले ही बना दी, वो मेरे चैनल पे पड़ी है। पर आज हम कंपेयर करेंगे मॉडल एक्सट्रीम वर्सेस मॉडल 35, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। दो गन्स, ऊपर वाली है मॉडल एक्सट्रीम और नीचे वाली है मॉडल 35। तो इस क्विक वीडियो में आपको इन दोनों गन्स के बेसिक डिफरेंस मैं बता दूंगा। तो सबसे पहला एविडेंट जो डिफरेंस है वो ये है कि दोनों के स्टॉक अलग हैं। एक्सट्रीम के अंदर आता है एक असॉल्ट लुक का स्टॉक, वर्सेस मॉडल 35 के अंदर आता है एक ट्रेडिशनल लुक वाला स्टॉक। ठीक है, दोनों में ही आप स्कोप लगा सकते हैं। एक्सट्रीम में आती है एक मेटल साइट फ्रंट में भी रेयर में भी, वेयर एज अपनी जो मॉडल 35 है उसमें आती है प्लास्टिक साइट फ्रंट में भी एंड रेयर में भी। हालांकि दोनों ही एडजस्टेबल हैं विंडेज और एलिवेशन के लिए। एक्सट्रीम के अंदर आप साउंड कॉर्क बड़े आराम से चला सकते हैं मेटल साइट होने की वजह से, वो आप जो मॉडल 35 है उसमें नहीं कर सकते, कॉर्क नहीं चला सकते। एक्सट्रीम में आप बेल्ट भी लगा सकते हैं अपने कंधे पर टांगने के लिए, मॉडल 35 में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हालांकि पावर वाइज आई गेस दोनों की पावर सेम होगी, बट कंपनी क्लेम करती है कि मॉडल 35 की पावर 25% ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एक्सट्रीम। पावर में कितना डिफरेंस है वो तो हमें पता लग ही जाएगा, क्योंकि मैं इनके ऊपर पावर डिफरेंस की वीडियो बहुत ही जल्द आने लगा हूँ आपके लिए। तो उसके लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। ठीक है, जैसे लॉकडाउन ओवर होता है तो उसकी पावर वीडियोज़ भी मैं बनाऊँगा। बाकी वेट वाइज दोनों ही सेम है, 3.6 kgs। लेंथ में एक्सट्रीम थोड़ी ज़्यादा लंबी है। बिल्ड क्वालिटी वाइज और फिनिश वाइज दोनों की फिनिश सेम है। और ये देखो, आप साइट देखो तो जो 35 है उसकी साइट एडजस्टेबल है रेयर और फ्रंट दोनों वाली, पर दोनों ही प्लास्टिक मेड हैं, वेयर एज एक्सट्रीम में दोनों ही आपको स्टील मेड मिलती हैं। ट्रिगर दोनों का सेम है, वन स्टेज एडजस्टेबल। और राइफलिंग दोनों का बैरल ही राइफल्ड है। और अगर आप देखें तो कॉकिंग मैकेनिज्म भी दोनों का सेम है, दोनों ही ब्रेक बैरल हैं। 11 mm की डबरेल दोनों पे है, दोनों पे स्कोप लग जाता है। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको बेसिक डिफरेंस बता दिया होगा। एक प्रॉपर कंपैरिजन वीडियो मैं बहुत जल्दी लाऊंगा, पावर टेस्ट में भी कंपैरिजन आपके लिए करूंगा आफ्टर लॉकडाउन होगा। तो उसके लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। सो होप यू लाइक माय वीडियो। थैंक्स वॉचिंग गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर दबाना। एंड अगर आप ऑल ओवर इंडिया किसी टाइप की एक सॉन्ग एक नेसेसरी स्पोर्ट्स पैलेट्स ऐसी कोई भी चीज़ बाय करना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, व्हाट्सअप करके बाय कर सकते हैं। सो होप यू लाइक माय वीडियो। थैंक्स वॉचिंग गाइस, बाय।